गर्मियों के मौसम में खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में अपच की समस्या ज्यादा होती है, लिहाजा लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाकर इससे निजात पाई जा सकती है। गर्मी की मार को कम करने के लिए लोग अक्सर मौसमी फलों का सेवन करते हैं। गर्मी आते ही गली मोहल्ले में गन्ने के जूस की दुकानें खुल जाती हैं और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पूरे दिन की थकान गन्ने का रस पीकर दूर करते हैं। गन्ने का रस बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसी कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके बावजूद ये कई लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। खून को करे पतला। गन्ने के रस में पॉलीकोस्नॉल होता है जो कि खून को पतला कर सकता है, जिससे रक्त का थक्का जमने में देरी होती है। इसलिए अगर आप पहले से ही खून को पतला करने की कोई दवाई ले रहे हैं तो गन्ने का जूस ना पिए। ठंड बढ़ाए। अगर आपको बलगम या खांसी की समस्या है तो आपको गन्ने के रस का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप गन्ने का रस पीते हैं तो शरीर में कफ की समस्या और बढ़ सकती है। पेट के कीड़े। अगर आपके पेट में कीड़े हैं या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है तो गन्ने के रस का सेवन कतई ना करें। डायबिटीज की समस्या। गन्ने के रस में नेचुरल शुगर की मात्रा अधिक होती है। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो आपको गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ताजा ही पिए। गन्ने के रस को 15 मिनट तक रखने पर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसे पीने से संक्रमण होने का ज्यादा डर लगा रहता है। इसलिए ताजा गन्ने के रस का ही सेवन करना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक एक दिन में 2 गिलास से ज्यादा गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी है, खासकर जॉन्डिस, तो फिर इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अमर उजाला.com